बिजली दिल्ली वालों के सिर पर कड़कने को है तैयार। ये दरअसल ये बिजली जो आपके घर में पहुंचती है उसके पहले तीन स्तर की लड़ाई है, समझना होगा। एनटीपीसी यानी बिजली उत्पादन वाली कंपनी, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनियां हैं जिनको घेरे में ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तीन कंपनियां हैं वो, उसमें बीएसईएस है, यमुना राजधानी और फिर एक जो दूसरा है वो टाटा की कंपनी है। तो तीन कुल मिलाकर कंपनियां हैं, फिर डीआरसी। अब डीआरसी ने अरविंद केजरीवाल की बात मानने से कर दिया इनकार, 8% सरचार्ज अगर बढ़ा दिया। इधर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज कह रही हैं कि हम पैसे देने की हालत में ही नहीं है, वो कह रही है 120 करोड़ तो एनटीपीसी को देना है, 3200 करोड़ के करीब बैंक के पास कर्ज है, वो हमको लोन देने को तैयार नहीं है। अब हालत क्या होगी कि बिजली आपके घर की कट सकती है और सरचार्ज बढ़ाए आने वाले वक्त में कैसे ये हैंडल होगा? क्या अरविंद केजरीवाल सक्षम साबित होंगे या फिर आप पर गिरेगी गाज? यही है बड़ा सवाल जो दिल्ली की जनता आज पूछ रही है जंतर मंतर पर। सवालों की ही शुरुआत करेंगे फिर जवाब लेंगे नेताओं से। आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि जब अरविंद केजरीवाल जब राजनीतिक पार्टी का गठन कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि आप बिजली का बिल जमा ना करो, उन्होंने पोल पे चढ़ के बिजली काट दिया, जोड़ दिया। आरा सत्ता में आने के बाद जिन लोगों ने बिजली उनके आशा में जमा नहीं किया, लाखों का बिल हो गया, किसी का 50,000 का हो गया, उनके लिए इन्होंने क्या कानून बनाया? दूसरी बात यह है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो जवाब ले लें, बहुत महत्वपूर्ण है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं किसी को जिसने बिजली कटवा दिया और अब उनको दिक्कत आ रही है? कितने लोग हैं जो ऐसे लोगों को जानते हैं? कई हाथ उठ रहे हैं संजय जी, इसका जवाब दीजिए आप। पहली बात तो ये कि उन सभी बिलों का आकलन हो रहा है जो सितंबर में यही जंतर मंतर पे कहा गया था कि आप अवैध बिजली के बिलों का बहिष्कार कीजिए। हाँ। और सरकार उसके प्रति प्रतिबद्ध है, वो सारे के सारे बिजली के जो लोगों ने बहिष्कार किए हैं उनके बिल माफ किए जाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की और उसको करेंगे। वो पैसा कहाँ से जाएगा? अरे मैं ये तो कह रहा हूँ कि आप बताइए, हमसे गलत पैसा लिया गया है तो हमसे क्यों लिया गया, ये सवाल क्यों नहीं पूछती आप? हमसे गलत पैसा क्यों वसूला बिजली कंपनियों ने? वो अवैध था, वो गलत था, वो गैर कानूनी था, इसलिए उसको माफ किया जाएगा, जनता को वापस किया जाएगा। वो जनता का पैसा है, जनता को वापस किया जाएगा। वो अरविंद केजरीवाल का, हमारा या गृह मंत्री जी का या मनमोहन सिंह का पैसा नहीं है। बिजली कंपनी देगी या सरकार देगी? सरकार देगी, सरकार देगी, सरकार देगी। तो सरकार जनता, हमारा जनता का पैसा है, गलत ढंग से लिया गया है और सीएजी ऑडिट में जो गलती पाई जाएगी वो उनसे वसूला जाएगा, यही तो कहा जा रहा है बार बार। नोटिस आ रहे जिन पे कानूनी प्रक्रिया हो रही है, क्या कानून से ऊपर है जो जुडिशरी हो रखा है, जिनके घर पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नोटिस जा रहा है घरों पे, उनके लिए क्या करेंगे? कानून से ऊपर सारा आकलन हो रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ, सारा आकलन हो रहा है, सारे बिल माफ होंगे, सारे के सारे बिल माफ होंगे जिन्होंने बहिष्कार किया। तो हर चीज का डाटा तैयार रहता है, आपको तो पता होगा कि किसका इलीगल बिल था। अब माफ कीजिए, सवाल संजय जी से है। संजय जी, अभी आप दिल्ली में तो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए अपने अच्छी तरह से, और अभी आप नेशनल पॉलिटिक्स में एक्सपेंड करने के लिए इतनी कोशिशें कर रहे हो, बट जल्दबाजी तो नहीं कर रहे जल्दी से? नहीं, मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टी जब से बनी पूरे देश में जनसमर्थन मिल रहा है। 8 दिसंबर के परिणाम के बाद 1 करोड़ मेंबरशिप हमारी हुई है 26 जनवरी तक। लोगों में उत्साह है, एक राजनीतिक चेतना का उभार हुआ है। हम अपना चुनाव में जा रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं। आप प्रधानमंत्री की कुर्सी भी दिख रही है? प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं दिख रही है, जनता के मुद्दे को उठाने का एक बड़ा अवसर दिख रहा है कि हम जनता के सवालों को लाएंगे। जाति धर्म के मुद्दे इस बार चुनाव में नहीं उठेंगे, इस बार चुनाव में बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है। अरे हालत क्या बना दी देश की, हालत क्या बना दी 64 सालों में, 66 सालों में आप लोगों ने देश ये क्यों बेवकूफ है? समर्थन वापस क्यों नहीं लेते आप? अगर एक काम ढंग से समर्थन वापस क्यों नहीं लेते? जवाब दीजिए। देखिए, आज अगर समर्थन वापस लिया तो यही लोग कहेंगे आपने काम करने का मौका नहीं दिया। आज इनकी खामियां अमृता जी, काम करने का मौका तो दीजिए अमृता जी। अमृता जी, आपसे सवाल है मेरा, एक मिनट सुनिए। अरे जनाब सुन लीजिए, मुझे आपसे सवाल है, बता दीजिए क्या बीजेपी मोहतरमा मंडल के अध्यक्ष? नहीं नहीं नहीं, मैं सवाल सुनिए, जनता है जनता। हेलो मैडम, आप गलत कह रही, मेरी इंक्वायरी करवा लीजिए। सवाल ये है आपके लिए, शीला दीक्षित के पास फाइल है, डीएमआरसी ने कहा कि रेट बढ़ाएंगे, शीला दीक्षित ने मना कर दिया, तो उस वक्त बिजली कंपनियों ने उन्हें क्यों नहीं धमकी दी? उस वक्त बिजली कंपनियों ने क्यों नहीं धमकी दी, हम 10 घंटे बिजली काटेंगे? उस समय क्यों नहीं? उस समय तो संभाल लिया था, क्योंकि हमने बिजली की चोरी रोकी, इसलिए पैसा आता था वो बिजली कंपनियों को पहुंचता था, लेकिन आज पैसा इनके पास नहीं है
और ये बिजली कंपनियों की जेब भरने में लगे हुए पब्लिक के पैसे से। अच्छा आप खजाना भी देख रहे हैं कितना पैसा है कितना नहीं है, और जो पैसा है आप चेक कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं, मालूम है तो पैसा ही नहीं, जनता का पैसा है सरकार के पास, मेरा क्वेश्चन आप चेक कर रहे हैं कितना पैसा है सरकार के पास, 1,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर 1 रुपए की लीज पे दिया आपने, कैसे दे दिया आपने 10,000 रुपए, 10,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, 10,000 करोड़ का चेक आपने 1 रुपए में कंपनी को कैसे दे दिया आपने, मेरा क्वेश्चन संजय सिंह जी है, उन्होंने कहा 1 करोड़ मेंबरशिप कर दी, आपके ओमावा भी मेंबर है, मोदी जी भी आपके मेंबर है, क्या नकली थी क्या? ऑनलाइन मेंबर में मैसेज के जरिए जो मेंबर बने उसमें कोई भी मेंबर बना, हाँ वो सवाल अच्छा पूछ रहे हैं, जल्दी से जल्दी से। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज सेग्रीगेट करेंगे, डाटा डिस्ट्रिक्ट को भेजेंगे, वो वेरीफाई करेंगे, जितने ओबामा राहुल गांधी फर्जी नाम से बने होंगे वो अपने आप कट जाएंगे, वो आप निकाटेंगे, चले पहले तो आप संभल, कटनी और करनी में बहुत तरह के, आज ही केजरीवाल ने बंगला ले लिया, गाड़ी ले लिया जी, जो कह रहे थे हम नहीं लेंगे सरकारी, और 8% आज ही बढ़ाया है, जो कि इनके राज, मतलब वो सरकारी घर भी ना ले, कहाँ रहे फिर मुख्यमंत्री, मना क्यों करा था, मना पहले मना किया कि हम नहीं लेंगे, अब 4 गाड़ी उनके साथ रहती है, वीआईपी कल्चर की बात करते हैं, चलिए 4 गाड़ी बताइए संजय सर कि आप केवल घोषणाएं करेंगे कि काम भी करेंगे, 4 गाड़ी रहती है, युवाओं के बल पर आपने सरकार बनाई, युवाओं के लिए आपने क्या किया, अभी तक गाड़ी लगाती है राहुल जी तो कम से कम युवाओं के साथ है, आज साथ खड़े होने से क्या होता है, काम क्या किया है, क्या क्या लगातार काम कर रहे हैं, लगातार हो गया अटक गए, नहीं नहीं सतीश सवाल नहीं चलेंगे यहाँ पे, हाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक 30 दिन के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने किया है शायद अभी तक कोई भी पार्टी कर पाएगी होगी, और इतने 30 दिन के अंदर उतने 30 दिन पार्टियाँ खुशियाँ मना रही होती है, जीत की यही आम आदमी को बोलने नहीं देते, आम आदमी पार्टी के चुनाव के टाइम में काफी सारे कार्यकर्ता दिख रहे, लेकिन आप सारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए चले गए हैं, आज हम लोग के मोहल्ले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों नहीं दिख रहे हैं, सारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ने चले गए लोकसभा चुनाव के लिए, आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी के सवाल का जवाब दे, सारा बाधा दूर, मैं आम आदमी से ये पूछना चाहता हूँ, आज बिजली महंगी, दूध महंगा, पेट्रोल महंगा, सीएनजी महंगी, केजरीवाल जी बाबा ने कहा था चुनाव में जीत जाने के बाद 30 दिन के अंदर बिजली के दाम कम कर दूंगा, आधे कहाँ गया देखो, उन्होंने किया 48 घंटे में किया, 30 दिन तो बहुत दूर की बात कर रहे हो, ठीक है 48 घंटे में किया, और दूध मदर डेयरी कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद बीजेपी की सरकार रही, ना ही 15 साल में कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया और ना ही बीजेपी ने किया, फिर ये मौका है, देश को गुमराह मत कीजिए, एक महीने में क्यों आपका सवाल होगा, आपका सवाल होगा, एक सवाल होगा, देश को क्यों गुमराह कर रही है, एक मिनट ये वादे किए इन्होंने सरकार से, पब्लिक से, इन्होंने पब्लिक से वादे किए कि हम वो देंगे, आप इतने शोर में सवाल नहीं सुनाई देगा, एक सेकंड ब्रेक पर जाने का टाइम हो गया, लेकिन जो उनका सवाल है वो बहुत जरूरी है, वो सवाल ये है कि पहले आपके वॉलंटियर्स दिखते थे, अब सबकी नजर लोकसभा चुनाव में है, कोई कार्यकर्ता दिखता ही नहीं आपका चुनाव के पहले जो दिखते थे, दिल्ली से बाहर पूरे के पूरे कार्यकर्ता दिखते हैं, कार्यकर्ता गए संघर्ष करने, लाठियां चली वहां, उनको मारा गया, पीटा गया, फर्जी मुकदमे भी हम ही तो लिख दिए गए, गली मोहल्लों में सबसे ज्यादा हमारे प्रतिनिधि और विधायक काम करते हैं, वो काम करते हैं, दूध का दाम मदर डेली सेंट्रल गवर्नमेंट, पेट्रोल डीजल सेक्टर गवर्नमेंट, सीएनजी सेक्टर गवर्नमेंट, की बात है ये सारे पेट्रोल डीजल का नाम सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाया जाता है, क्यों गुमराह कर रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं, बिजली की ये जंग है जो राजधानी में छिड़ी हुई है, मोहलत थोड़ी सी मिली है आपको 11 फरवरी तक के लिए मोहलत दी है बिजली कंपनियों ने, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी ये सवाल है, क्योंकि ये तलवार लटक रही है हम सबके सिर पर, अब रास्ता क्या निकलेगा ये महत्वपूर्ण है, और इसी पर जनता आज सीधे कर रहे हैं अपने नुमाइंदों से सवाल, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनका सवाल, देखिए 65 साल से देश बीमार है, और अरविंद केजरीवाल बढ़िया अच्छा आदमी है, अच्छा ट्रीटमेंट देगा इस देश की जनता को, भरोसा है, हाँ भरोसा है, देश की जनता ने भरोसा है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी
भ्रष्टाचार की जननी है और इस देश को धर्म और जात के नाम से समय समय पर सांप्रदायिक दंगे करवाना इनका काम है। और देश की जनता, आज देश की जनता के पास खाने के लिए राष्ट्र के नाम संदेश नहीं सवाल होना चाहिए। मैडम, हमारे जवान देश में सुरक्षा करते हैं, वो जवान दोनों की गर्दन काटा। मैं भी मुस्लिम हूँ, पाकिस्तान के ऊपर क्या कार्रवाई किया ये लोग आज तक क्या किया? कांग्रेस से ही आपका सवाल है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम दिल्ली की बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली। हेलो, अगर इनका पता होता लोगों को कि ये बाद में ऐसे करेंगे ना, तो 400 यूनिट का बोला था, झुग्गी वालों को बोला सबको मकान देंगे, झूठ बोल के ये सत्ता में आए। अगर आज इलेक्शन हो जाए तो 8 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी इन लोगों को। ठीक है, जल्दी से ब्रेक पर जाना है, लेकिन जल्दी से एक छोटा सा जवाब, फिर विदुर साहब आपके पास जाऊंगी। 400 वाला ये सब बहुत सारे पेज है जो बताया नहीं था मैंने। अरे मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ये सीएजी ऑडिट तक की सब्सिडी है, उसके बाद 3 महीने के बाद सारी सारा टैरिफ सही हो जाएगा जांच होने के बाद। तो इन्होंने बगैर कैबिनेट के अप्रूवल के, बगैर किसी बात को, पैसा ट्रांसफर हुआ नहीं है, केवल घोषणा कर दी हम सब्सिडी दे रहे हैं। कंपनी को सब्सिडी मिल ही नहीं है, दे भी नहीं सकते, इनके पास फंड ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। तो इन्होंने जो गुमराह किया, जो मैंने पहले कहा केवल घोषणा करते नहीं से इंप्लीमेंट नहीं होता, वो इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं आप जो मिलाएंगे वही मिलाएंगे लोगों के लिए। मुझे और रुकना पड़ रहा है, लेकिन क्या वाकई गुमराह किया है जनता को? इसी सवाल से आगे बातचीत, सवाल यही है कि क्या वाकई गुमराह किया है अरविंद केजरीवाल ने? और अगर गुमराह हुई है तो वो जनता उसे झेलने को तैयार है, तो कांग्रेस और बीजेपी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि तस्वीर बदलने में जरा वक्त लगेगा, वक्त देने की जरूरत है। यही सवाल हम करेंगे, जनता के भी सवाल लेंगे। लेकिन अमृता धवन जी जरा ये समझा दीजिए, मतलब आप इधर भी बैटिंग करेंगी, उधर दौड़ के उधर भी बैटिंग करेंगी, सरकार भी चलाएंगी और फिर उन पर तीर भी ठोकेंगी, ये क्या राजनीति है? इसी के खिलाफ तो जनता ने आपको 8 पर पहुंचाया। देखिए, समर्थन देने का मतलब ये नहीं होता कि हम विपक्षी दल का रोल नहीं निभा सकते। कुछ गलत करेंगे, जनता के खिलाफ का फैसला होगा तो हम आवाज उठाएंगे। डे टू डे गवर्नेंस की बात है जिसमें ये फेल हो चुके हैं। अब सरकार अपनी पूरी बैलेंस शीट कैसे तैयार करेगी तो इनको देखना है। जनता का पैसा अगर बिजली कंपनियों को देंगे बैलेंस शीट कैसे चलेगा? अगर विषय पर है, अगर आम आदमी पार्टी विषय पर रहे तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। अभी मुझे लगता है केजरीवाल जी को कहीं ना कहीं अपने गले के साथ साथ और भी जांच करानी चाहिए, क्योंकि वो बार बार उस 18 मुद्दों से हटकर कभी रेल भवन पर बैठेंगे, कभी भ्रष्टाचारों की सूची बनाएंगे, वो पहले अपने गिरबान में झांके। 18 मुद्दे क्या थे? पहली चीज, मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर सकता, लेकिन जब दिल्ली में जिंदा जलाई जाएंगी महिलाएं, जब दिल्ली के अंदर महिलाएं जिंदा जलाई जाएंगी, कहीं पर ड्रग्स और सेक्स का रैकेट चलेगा, कहीं डेनिश महिला का गैंग रेप होगा, तो हम सड़क पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, ये हमारा अधिकार है, हम करेंगे। सड़क पर उतरने से ही तस्वीर बदल जाएगी या फिर नहीं बदलेगी? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलते चलते इतना बता दीजिए, आप में से कितने लोग वक्त देना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को? हाथ उठाइए। कई सारे लोग हैं जो देना चाहते हैं, कई सारे लोग हैं जो इसके विरोध में भी। हमारी विशेष पेशकश में कई देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।